गलत टाइम पे था। यही तो अच्छे दिन है। यही तो अच्छे दिन है। ए तनु ऑन ऑन राइट। गोदावरी पब्लिक स्कूल मध्ये आलेले सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळतात। समजा देखिए मेहनत तो किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं शिद्दत के साथ, पिछले दो सवा दो महीने से लगे हुए थे, लोगों के बीच में जा रहे काम कर रहे हैं और अब आज के दिन है तो फाइनल मैच है। पर किसी तरह का कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरह से शिवसेना वगैरह ये सब हुई है उसके लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोगों ने अपना मन बना लिया है कि किसको वोट देना है करके, उसमें तो कोई चिंता करने की कोई कंफ्यूजन ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। लोग आ रहे हैं अपना मन बना के आते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे आने के बाद है तो वो तय करते हैं, वो परख लेते हैं कि किसको वोट देना है। इलेक्शन आएगा जब ना तुम्हें खाली करा ना दादा। तुम्ही बसून केला तरी तुमच्या येणार दादा, आम्हाला मोबाईल माग घे हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे बीच में मत आना भैया। मोबाइल पाठिए प्लीज प्लीज सर। मोबाइल आलो सर इधर भी एक बार सर 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 एक बार इधर किसको वोट डाले। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू फिलहाल।
भैया नीचे ले ना मोबाइल, सामने तो थोड़ा मोबाइल नीचे ले लो ना दादा। पिछली बार 405 चल रहा है, क्या वातावरण हिंदी में बता बोलने के लिए। देखिए बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आपकी बार 405। अब अगर इतना ही आपका बड़ा आपने घोषणा कर दिए थे तो फिर आपने अपने काम की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किए कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का फोड़ने का काम किए, उनके नेताओं को अपने पार्टी के अंदर लेके आ गए, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे उनको भी अपने साथ लेकर आ गए, लेके ही नहीं आए हैं उनको मंत्रियां भी बना दिए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर ये स्वाभाविक था कि जिन्होंने ये नारा दिया था कि अब की बार 405, तो उन्हें ये यकीन हुआ कि भैया जनता तो मुझसे कह रही है कि काम बताओ करके, तो जब काम दिखाने के लिए कुछ नहीं था तो फिर आ गए कि मंगल सूत्र खींचा जाएगा, घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। तो ऐसे मुद्दे जो आम जनता से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग कहते हैं कि मुझे पानी दीजिएगा करके, और मैं जब उन्हें कह रहा हूँ कि साहब इन्हें पानी दीजिए, तो वो कहते हैं कि नहीं मंगलसूत्र चोरा जाएगा और घुसपैठियों को दिया जाएगा करके। लोग कहते हैं सड़क दीजिए, रोज़गार दीजिए, नौजवानों के लिए आप क्या स्कीम्स लेके आने वाले हैं, किसानों के लिए आप क्या करने वाले, इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। आपके सामने कैंडिडेट कौन, आपके सामने मुख्य कैंडिडेट कौन आपको लगता है कि जिस तरह से संदीपन भोमरे कैबिनेट मंत्री है उन्हें मैदान में उतारा गया है, वो आपके सामने मुख्य प्रतिद्वंदी है या फिर चंद्रकांत खैरे सीनियर लीडर है, चार बार चुनाव जीत चुके हैं? देखिए चंद्रकांत खैरे साहब ट्राइड एंड टेस्टेड है, यहाँ की शहर की और जिले की जनता ने उन्हें कई साल तक उन्हें आजमाया है, अब वो दोबारा मैदान में आए हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे दे दो करके। उसमें देखिए आपका आखिरी इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये ज़िले के 5 साल का सवाल है। 5 साल के अंदर ये ज़िले ने कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ने कहाँ जाना चाहिए, सिर्फ आपके ऊपर तरस खा के कि नहीं मेरा आखिरी इलेक्शन है करके, क्योंकि 5 साल है तो अपने ज़िले को पीछे नहीं छोड़ सकता है करके। दूसरे मंत्री जो है उन्होंने अपने एफिडेविट के अंदर बताया है कि उन्होंने इस शहर के अंदर, इस ज़िले के अंदर क्या क्या काम किए हैं, तो शराब की दुकानें खोले हैं उन्होंने, यही काम किया है। अब जनता को तय करने का है कि साहब वो किसके साथ जाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब तक मेरी सांसें हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ, तब तक मैं धर्म के नाम पर देश को बांटने नहीं दूंगा। साहब शुरुआत आपने ही किए है, अगर देखा जाए तो धर्म के नाम के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन जब मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठा था और वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये कहे थे कि मैं ओबीसी हूं करके, तो मैं उन्हें खड़े रहकर ये बोलना चाह रहा था कि नहीं साहब, इस सदन के अंदर किसी की कोई जात नहीं होती है, ना मेरी जात है ना आपकी कोई जात है, आप ओबीसी बाहर है, मैं मुसलमान बाहर हूं, कोई दलित बाहर है उसमें। हम जब पार्लियामेंट के उस लोकशाही के मंदिर के अंदर बैठते हैं तो हमारी कोई जात नहीं होती है। पहला प्रधानमंत्री है 75 सालों के अंदर जिसने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि मैं ओबीसी हूं करके उसमें। लेकिन वो अपने आप को कामदार कहते हैं, कांग्रेस को नामदार। देखिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, अगर आपने काम किए तो मुझे ये बताइएगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना फोड़ने की क्या जरूरत थी, मुझे ये बताइएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस फोड़ने की क्या जरूरत थी आपको, मुझे ये बताइएगा कि आपने इतना अच्छा काम किए है तो जिस मंत्री के बारे में, जिस नेता के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में आपने कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी, और जिसके नेता के बारे में कहा था कि इसने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, उसके 8 दिन के बाद उसे अपने अपने पक्ष में लेके आ जाते हैं, उसे उप मुख्यमंत्री बना देते है करके। तो देखिए आप जनता को इतना बेवकूफ मत समझिएगा। जिंदा हो गया, इसका फायदा किसको पहुंचेगा? देखिए क्या है कि अब ऐसे बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, इसमें फजूल के मुद्दों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करता है, क्योंकि हर आदमी को ये चाहिए कि यार मेरे घर में पानी आ रहा है क्या नहीं, मेरे घर के सामने की रोड बनी हुई है क्या नहीं। ओवैसी साहब ने कहा कि यहाँ पर ओवर डाइवर्जन होने के चांसेस है, क्योंकि खुद ओवैसी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ पे जो दफना दिया जाए, ये जमीन से मुझे जो है खास रिश्ता है। तो उन्होंने क्या गलत किया है? आप मरने के बाद कहाँ होना चाहिए, आपका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए, आप तय करेंगे ना? उन्होंने क्या बोले है, उन्होंने क्या बोले है कि यार इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, इस ज़मीन से मुझे मोहब्बत है, तो अगर मैं मर जाऊँ, मरना सबको है, आपको भी मरना है उसके अंदर, तो आप भी है तो अपना विल दे दीजिएगा कि मुझे अंतिम संस्कार इस शमशान भूमि में करवाना। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, ये जो एक नई राजनीति शुरू हुई है। देखिए बकवास, सवालों का बकवास जवाब मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये मुद्दा विकास के मुद्दों के ऊपर है,
और जो लोगों के पास काम की बात नहीं है वो बकवास करते रहते हैं। यहाँ पे भी मोहतरमा आई थी और उन्होंने बकवास बातें करके चली गई। आपको लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा? देखिए, लोकशाही को अगर मजबूत रखना है तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। इसमें लोकशाही का सबसे बड़ी ताकत जो है कि आपके पास एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होना चाहिए। अगर एक ही सरकार बार बार आती रही तो वो जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है उसमें। तो सरकारें जब बदलती है तो बदली हुई सरकार, विपक्ष जो रहता है वो चुस्त रहता है कि अगले टाइम मुझे भी उठा के फेंक डालेंगे करके, तो वो जनता के हित में काम करती है। ठीक, थैंक यू सर।